बारिश की शुरुआत अभी सही तरीके से हुई भी नहीं है कि डिंडोरी में गांव की सड़कों की हालत बेहद खराब नजर आ रहे हैं। लोग कीचड़ से बचने के लिए अपने घरों से महिलाओं की साड़ी लेकर निकल रहे हैं। कहने को तो सड़क बना दी गई है, लेकिन सड़क ऐसी कि दो कदम भी चल नहीं सकते। ये तस्वीरें आदिवासी जिला डिंडोरी की जनपद करंजिया क्षेत्र की हैं। बारिश के दिनों में अगर जरूरी काम से घर के बाहर जाना हो तो कीचड़ से बचने के लिए गांव वाले अपने घरों की महिलाओं की साड़ी के साथ ही चलते हैं। ये हाल बारिश से पहले के हैं। क्या सरपंच, क्या पंच, किसी को परवाह नहीं। ऐसा नहीं है कि ये हालात सभी जगह हैं। ग्रामीणों की माने तो सरपंच ने तो अपने इलाके में सीमेंट की सड़क बनवा ली है, लेकिन दूसरी जगह मिट्टी और मुरम भरकर सड़क बनवा दी। अब सड़क पर मिट्टी और कीचड़ ही नजर आ रही है। सड़क पर अगर आपको चलना है तो चप्पल पैर की जगह हाथ में लेकर चलनी पड़ती है। गाड़ी सड़क से निकालनी है तो साड़ी सड़क पर बिछाकर गाड़ी निकालनी पड़ेगी ताकि वाहन कीचड़ में न फंस जाए। ग्रामीण अब तो मान बैठे हैं कि ग्राम पंचायत बोंदर में बारिश का कहर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मुसीबतों का कारण बनेगा। अब अपन साइड से डाल ना चड्डी कलेक्टर देखे के ना ये है बोंदर रोड की दुर्दशा। बोंदर तिराहा से पीपा टोला। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।